First of all, namaste. मैं हरियाणा के एक ऐसे एरिया से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे एक एज के अंदर लड़कियों की शादी कर दी जाती है, तो बेसिकली 25 तक ऑलमोस्ट लड़कियों की शादी हो जाती है। और मैंने 25 की एज में ही माउंटेनिंग स्टार्ट किया था, तो आपकी तरह मैं भी कॉर्पोरेट में थी और कंटिन्यूसली पहले मेरी स्टडी हुई 8th क्लास तक मैं स्पोर्ट्स टीम में रही हूँ, कबड्डी टीम में, तो कहीं ना कहीं वो स्पोर्ट्स वाली रहती थी थोड़ी सी। लेकिन हम लोग सिटी में शिफ्ट होने की वजह से वही सेम कॉर्पोरेट लाइफ में घुस गई थी मैं। मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल नॉर्मल फैमिली से हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मैंने सोचा था कि ठीक है हम चार भाई बहन हैं तो क्यों ना मैं ही मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड काम करना स्टार्ट किया। मात्र कम से कम 3,500 में मैंने जॉब करना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे को लग गया था कि आगे की स्टडी का खर्चा अगर मैं खुद उठा लूँगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैंने वो स्टेप नहीं लिया तो मेरे साथ भी वही होगा जो बाकी लड़कियों के साथ हो रहा है। तो वो मेरा प्लस पॉइंट रहा और वो करते करते मैं इतना आगे निकल गई कि कॉर्पोरेट में वो सब अपना निकलता जा रहा था कि कोई टाइम शेड्यूल नहीं था, सिर्फ पैसे कमाने की दौड़ में हम लोग आज के टाइम में जैसे हम भाग रहे हैं ना, वैसे मैं भी भाग रही थी। तो मुझे लगा ऐसा कब तक चलेगा, एक स्पोर्ट्स पर्सन की भावना तो मेरे अंदर थी तो वो कंटिन्यूसली थी कि अभी अपने लिए क्या टाइम निकालूँ, पैसा तो मैं कमा रही हूँ, वो मैं फैमिली को सपोर्ट कर सकती हूँ, बट मैं अपने लिए क्या करूँ। हमारे अंदर हमारी खुद की एक जगह पे आके हम खुद से आंसर करते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में किया क्या, पैसा कमा लिया, फैमिली को सपोर्ट कर दिया, तो वो तो सभी करते हैं ना। हमने अपनी पहचान कहाँ करी, मेरी पहचान तो वही 9 to 5 के जॉब में चली जा रही थी। तो कहीं ना कहीं मैंने एक फ्रेंड से कॉन्टेक्ट किया और अमरनाथ यात्रा स्टार्ट की। तो अमरनाथ यात्रा की परमिशन लेना भी मेरे लिए बड़ा टास्क था, क्योंकि मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ कि लड़कियों को बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। तो पहले तो मैंने पापा को नहीं बताया, बट मैंने मम्मी से परमिशन ली कि मेरे को ऐसे ऐसे यात्रा करनी है। हाँ, वो हमारी मम्मियों के अंदर थोड़ा सा डिवोशनल वो टच होता है ना, तो शायद मेरे को उसी की वजह से मम्मी ने परमिशन दे दी थी। बट फादर को मेरा हमेशा रहा कि मैं अगर घर से बाहर निकलती हूँ तो मैं ऑफिस भी जाती तो अपनी फैमिली से परमिशन लेके जाती। तो मैंने जब मैं बस में बैठी तो मैंने बोला कि पापा मैं ऐसे ऐसे जा रही हूँ, तो वो शायद मना नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है अपना ध्यान रखना। तो ऐसे करके कंटिन्यूसली मेरे को वो मिल गया था कि हाँ चलो साल में कम से कम एक बार अमरनाथ यात्रा आती है तो छुट्टी तो मिल ही जाएगी। तो 3 बार मैंने अमरनाथ यात्रा की, तो फिर लग गया कि चलो अमरनाथ यात्रा हो गई है, इसके अलावा क्या, इसके लिए तो परमिशन मिल रही है लेकिन इससे मेरा काम तो नहीं चलेगा ना, वो मोटो क्लियर नहीं हो रहा था कि कुछ करना है अपने लिए। तो मैंने 19 में चादर ट्रैक ऐसे सर्च किया था, तो वो मुझे लगा कि इंडिया में सबसे डेंजर वाला ट्रैक है जो 65 किलोमीटर की हमें एक रिवर के ऊपर पूरा करना होता है, वो भी -30 के अंदर। तो वो चैलेंज मैंने लिया और वहाँ से मुझे लगा कि हाँ यहाँ से तुझे अपनी पहचान मिल सकती है। जनवरी 19 में मैंने अपना चादर ट्रैक कम्प्लीट किया, उसमें एक पैच आया था जिसके अंदर मुझे लगा कि अगर मुझे इसी फील्ड के अंदर जाना है तो कहीं ना कहीं मुझे उसका बेस तो पता होना चाहिए। एटलीस्ट हम कोई भी काम करें, हम फर्स्ट वाली सीढ़ी से चढ़ना शुरू करते हैं ना, अगर हम पहले ही 10वीं सीढ़ी से जंप करना शुरू कर देंगे तो पता चलेगा नीचे की जमान तो खिसकती है। तो वो लगा कि अभी थोड़ा टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, तो मैंने बेसिक किया। मई 19 में मैंने बेसिक कम्प्लीट किया, उसके बैक टू बैक मई सितंबर में मैंने अपना AMC कम्प्लीट किया। फिर लगा कि चलो अभी डेंजर वाला ट्रैक हो गया है इंडिया का, तो नेक्स्ट वाला ट्रैक कौन सा किया जाए, क्योंकि उसके बाद पहले तो मुझे पीक के बारे में कोई माउंटेनिंग के बारे में मतलब एक बड़ा सारा जीरो होता है ना वो थी। मैं एक बेसिक एडवांस करने के बाद पता चला कि माउंटेनिंग में एवरेस्ट नाम की भी कोई चीज़ है, तो एवरेस्ट के लिए तो फंडिंग और वो सब के वो तो बियॉन्ड द लेवल था अभी। तो मुझे लगा कि नेक्स्ट कौन सा ट्रैक किया जाए, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी है कि माउंटेन इतना एक्सपेंसिव गेम है कि हम सोच तो लेते हैं कि वो जुनून तो आ जाता है हमारे अंदर कि हमने कुछ करना है, बट फाइनेंशियली जब आता है ना, जब हमारी पॉकेट से कुछ निकलता है तब पता चलता है कि भाई हमारी औकात कहाँ है। तो
तो वो जब मुझे माउंट किलिमंजारो के बारे में पता चला था तो वहाँ पे मुझे दिख रहा था आईना, लेकिन एक मेरा प्लस पॉइंट था कि मैंने जॉब छोड़ी नहीं थी। जितना मुझे टाइम मिलता था, जितना मुझे छुट्टी मिलती थी, मैं संडे को भी वर्क करती थी ताकि मुझे वो टाइम मिल जाए ताकि जिसमें मैं अपनी ज़िंदगी जी सकूँ, या जिस एज में मैंने वो सपना बुना था उस सपने पे मैं अपनी फैमिली से, अपने रिलेशन वालों से लड़ सकूँ कि मैं अपना लिए तो टाइम ले सकती हूँ ना, और मैं तुमसे खर्चा नहीं मांगी। ओब्वियसली जब फैमिली पे अगर आप डिपेंड होते हो तो फैमिली के ऊपर मतलब डिसीजन आ जाता है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बट आप जब इंडिपेंडेंट हो तो आप एक डिसीजन ले सकते हो, वो आपका एक प्लस पॉइंट है। और वही मेरा प्लस पॉइंट था जिसमें 2.5 लाख का खर्चा था और मुझे वो अपनी पॉकेट मनी से निकालना था, तो शायद मुझे वो निकाल लिया था क्योंकि वो मुझे टाइम मिल गया था उसका निकालने का। तो 19 में ही मैंने माउंट किलिमंजारो किया था। माउंट किलिमंजारो जब मैं करने गई थी वो शौक में करने गई थी कि हाँ चलो अपने लिए थोड़ा स्पेस मिल रहा है, एक पहचान मिल रही है। बट सडनली मैंने जब माउंट किलिमंजारो साउथ अफ्रीका हाईएस्ट पीक है, तो जब न्यूज़ में गया वो सब, तो मुझे एक जैक मिला और मुझे पता भी नहीं था कि माउंट किलिमंजारो करने से पहले ऐसे मैं मीडिया में आ जाऊँगी। तो सडनली मीडिया में आने के बाद फैमिली को लगा कि हाँ चलो लड़की कुछ कर तो सकती है, बट फाइनेंशली फिर भी वही प्रॉब्लम थी। सडनली जब मीडिया में आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आप कुछ भी करते हो अपनी ज़िंदगी के अंदर, आपको अप्रिशिएट किया जाता है, बट साइड बाय साइड सामने वाला आपसे एक उम्मीद के साथ भी मिलता है कि अभी नेक्स्ट क्या। तो मेरे लिए भी वही था। माउंट किलिमंजारो के बाद मैंने जस्ट ही अनाउंस कर दिया था कि मुझे वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक करना है माउंट एवरेस्ट, बट उसके बाद मुझे सुना था मैंने कि 30 लाख का खर्चा आता है उसके अंदर और इजली स्पॉन्सर भी हो जाता है, तो वो मुझे भी लगा था कि मजाक में चलो 30 लाख स्पॉन्सर भाई सबको होता है मुझे भी हो जाएगा। जब कोई भी चीज़ हम डिसीजन लेते हैं तो सडनली मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ कि सोचने में, करने में और होने में दिन रात का फर्क होता है। तो वो बोल तो दिया था मैंने कि माउंट एवरेस्ट करना है, बट सडनली कोविड आया तो टोटली प्लान चेंज हुआ। प्लान चेंज होने के बाद फिर से मैंने साइड बाय साइड अपना फिजिकल एक्टिविटी तो स्टार्ट की, बट 21 में मैंने 7000 पीक किया एक माउंट में, और 22 में 6000 की 6 पीक की है मैंने, जिसमें से एक स्टेट रिकॉर्ड है और एक नेशनल रिकॉर्ड है। Thank you.